फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने Facebook अकाउंट को सेफ्टी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम अपने Facebook अकाउंट को किसी भी फ्रेंड के फ़ोन में लॉगिन कर लेते हैं और वहां से हम लॉगआउट करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा Facebook अकाउंट हैक होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने आज तक जितने भी फ्रेंड के फ़ोन में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किए हैं तो आप उसे किस तरीके से अपने ही फ़ोन से लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आप ये सारा चीज़ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे की ओर ले जाते हुए। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना होगा। आप जैसे ही अपने फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में 3 लाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एरो ला के बता पा रहा हूँ। सिंपली आपको इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना। आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एरो ला के बता पा रहा हूँ। तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का वेट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस सिक्योरिटी एंड लॉगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एरो ला के बता पा रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का जो है मॉडल दिख जाएगा, या फिर आपने अभी तक जितने भी फ्रेंड के फ़ोन में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किए हैं वहाँ पर आपको जो है उस फ्रेंड का फ़ोन का आपको मॉडल नंबर दिख जाएगा। अगर सारा चीज़ जानना चाहते हो, यानी कि आपने अभी तक कितने फ्रेंड के फ़ोन में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किए हैं, तो आपको यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपने अभी तक जितने सारे फ्रेंड के फ़ोन में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किए हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड साइड में आपको उस फ्रेंड का आपको फ़ोन का मॉडल नंबर भी आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे जिस भी फ़ोन से आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ साइड में एक लाइन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस लाइन पर क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे ही इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। आप जैसे ही लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस फ़ोन से जो है आपका फेसबुक अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपने अभी तक जितने सारे फ्रेंड के फ़ोन में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किए हैं तो आप यहाँ से इजीली लॉग आउट कर सकते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करूँगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।